हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास है आज वैल्यूएशन की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने पहली बात तो, और कुछ क्वेश्चंस का मैंने होमवर्क दिया था आपको। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में पिछली क्लास का ऐसा कोई रिवीजन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ऐसे कोई रिवीजन की मुझे लगता है रिक्वायरमेंट है भी नहीं है। तो वी कैन डू वन थिंग, पहले जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको वन बाय वन अपन डिस्कस करते जाते हैं। जहां आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने कुछ प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आ रही होगी, फेस की होगी प्रॉब्लम, तो जो भी जिसमें भी आ रही है आपको, वन बाय वन अपन एक बार डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि वो सबके लिए फेवरेबल हो, है ना। तो शुरू करते हैं जहां से होमवर्क मैंने देना शुरू किया था, मॉड्यूल से कि नोट से पहले चले। पहले कहां से चलना चाहते हो? मॉड्यूल वाले इजी है, ऑल दो मॉड्यूल वाले इजी है, फिर भी यार मुझे लगता है एक बार मॉड्यूल वाले एक बार मैं तो देख लूं, है ना। वन सेकंड, मॉड्यूल वाले ही निकाल लेते हैं पहले। हाँ, कौन सा दिए थे मैंने मॉड्यूल वाले? इलस्ट्रेशन नंबर वन, क्या बात कर रहे हो, इलस्ट्रेशन नंबर वन दिया था मैंने, तो वो तो बिल्कुल ही सेम था। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है और इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड दिए हुए 75%, बस करना क्या है यार, हो गया। हाँ ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर टू बिल्कुल ऐसा ही है यार, वो थोड़ी सिर्फ दो क्वेश्चन दिए थे मैंने आज, क्या बात कर रहे हो। तो एक काम करते हैं, आ जाओ नीचे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर थ्री तो हमने कर लिया, चेक कर लो, थ्री हमने कर लिया था, क्या बात कर रहे हो यार, फोर तो हुआ ही नहीं था, मुझसे बिना पूछे कैसे कर लिया। मैंने खुद ही करवाया था, हाँ मैंने खुद ही करवाया था, तो इलस्ट्रेशन नंबर फोर भी हो गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर फाइव पुराने मॉड्यूल में बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड करके है, न्यू मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, तो वो मैंने एज अ होमवर्क की तरह आपको नोट्स वाला क्वेश्चन दिया था, जो अभी अपन से चलेंगे, अभी आएंगे उसको, तो डिस्कशन करना ही पड़ेगा, मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी उसमें। नहीं डिस्कस क्या, मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, आपको प्रॉब्लम होगी ना, हो गया। इतने अच्छे लोग कैसे हो गए तुम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर, चलो आगे बढ़ते हैं, और पुराने मॉड्यूल के हिसाब से सिक्स और नए मॉड्यूल के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर फाइव, ये तो मैंने करवा ही नहीं अभी, ये लीवरेज इफेक्ट है, ये तो आज की बात होगी, ठीक है। उसके बाद अरे टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज पे तो आओ, टेस्ट योर नॉलेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर वन तो देखो, मजा आ भी जाएगा, देखो अरे देखो देखो, ये तो किया हुआ है, पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या है, बार बार यही क्वेश्चन करवा रहा है, हो जाएगा ये, होमवर्क कर दो इसको। होमवर्क कर दो, इलस्ट्रेशन नंबर टू मैं करवाऊंगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू मैं करवाऊंगा, ठीक है। बस इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है यार, मतलब इतने सारे इतने कम क्वेश्चंस, छोड़ो चलो कोई बात नहीं, आते हैं अपन अपने वाले पे। बोलो बोलो, हाँ नहीं यार क्या बात कर रहे हो, वही तो मैंने बिना देख के बता दिया।
उसके बाद आरटीपी का फर्स्ट हो गया। अरे रुक तो जा लाल मेरे, इस बार तू क्वेश्चन करके आया तो मतलब इतना बोलेगा। मैं निकाल लूँ यार एक मिनट, नोट्स रुको। बताओ एलएस क्वेश्चन नंबर वन तो मैंने करवा लिया था क्लास में, क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क था, हो गया? क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर टू हो गया, सॉल्यूशन देख लिया होगा? आप बताओ क्या जब एफएमपी बनाते हैं और पैट लिखते हैं तो प्लस टैक्स लिखते हैं और पीपीटी आता है। मैं करवाता हूँ, मैं करवा देता हूँ उतना वाला पार्ट जो आप बोल रहे हो। आप मुझे ये बताओ चार साल के प्रॉफिट्स कितने हैं? ईयर वाइज बोलो। हाँ 42 लाख। ये पीबीटी है कि पीएटी है? एडबैक करना पड़ेगा टैक्स तो जा। मैं समझ गया तेरे से बन गया, रुक तो जा भाई, मैं करवा रहा हूँ, कुछ तो बात बोलनी होगी मुझे इसमें। टैक्स का रेट बोलो, आज तक 40% लगा है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो पैट है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो ये 60% पोर्शन है ना, और टैक्स है 40। मुझे जो पीबीटी लाना है वो एक तरीके से 100% पोर्शन होगा। तो ये फाइंड आउट कैसे होगा? जो पैट होगा डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स, तो 2455 डिवाइड बाय 60%, 2455 डिवाइड बाय 60% कर दो, 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? कितना आएगा 2455 डिवाइड बाय 60%? 40 लाख। ऐसा ऐसा आपको हर ईयर में करना पड़ेगा। हाँ आप तुम बताओ क्या बोल रहे थे? मैं वही बोल रहा था, क्या है कि इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, मैं समझ गया इंस्टीट्यूट का, तुमने देखा होगा। क्या है कि चार साल है, ठीक है ना? क्या होता है चार साल में अलग 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 एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो इसलिए अपन इंडिविजुअली हर साल का पहले पीपीटी निकालते हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन में क्या कर दिया है, सबसे पहले उन्होंने इसका ही वेटेड एवरेज कर दिया डायरेक्ट, और फिर डायरेक्ट उन्होंने एवरेज करने के बाद उसका बिफोर टैक्स निकाल लिया, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब हम क्या याद रखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट है। आपको अगर नहीं याद रखना इतना तो आप भले डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना? या तो अगर आपको वैसे करना है आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो मैं ऐसे करूं, अचानक बाद में निकल आया कोई एडजस्टमेंट तो माइट भी हो सकता है ऐसी बात कोई जो आपने ध्यान ना दी हो, आपके हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं है, बट बाद में पढ़ते पढ़ते समझ आ गया ये तो एडजस्टमेंट है यार, चोट हो गई यार, पूरा गलत कर दिया। तो इसीलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप पहले पूरा एवरेज करो और उसको बिफोर टैक्स कर दो बाद में, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा यार इंडिविजुअली इंडिविजुअली करो। आई बात समझ में? आप यही बोल रहे थे आपको यही प्रॉब्लम हो रही है, और कोई इसमें चीज? हाँ बाकी तो हो गया पक्का, तो वेटेड एवरेज करना था इसका। अच्छा और कोई इसमें एडजस्टमेंट?
दो मेथड से निकालना सीखा था। हाँ तो सेकंड वाला ही तो करेंगे, नहीं आया वो एडिशनल प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं आया। कैसे निकाला एडिशनल प्रोविजन फॉर टैक्स? जो सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, बोलो बोलो, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 42,50। ये अपने आप में 60% है, तो ये डिवाइड बाय 60%, तो पीबीटी कितना आ गया इसका? इसके ऊपर एक्स्ट्रा 5% निकाल लो, ये आपका एडिशनल प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की वर्किंग में लग जाएगा। फर्स्ट वाला कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, फर्स्ट वाला ठीक नहीं है, ठीक है। तो पहला तरीका है ना जो मैंने कल बताया था, वो ठीक कहीं ना कहीं नहीं है, वो तब यूज करना चाहिए जब हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। हाँ क्या बोलते हो गया? बाकी पूरा क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हो यार? हो कैसे गया यार, इसका तो सॉल्यूशन भी नहीं है फिर भी हो गया। अच्छा इसमें तो सिंगल ईयर था और एफएम तो बहुत आसान था, 2.5 लाख रुपए तो हमने कल ही कर लिया था। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल गया 20 लाख रुपए, फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लिया, क्या बात कर रहे हो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के गुडविल निकाल लिया, पक्का सच्ची? मुझे बस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बता दो। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 20 लाख। अब बोलो आरपैट क्या? कैलकुलेशन बोलो, कैलकुलेशन था। अच्छा पीबीटी था, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं था क्या? यही आरपैट है तो इसका हाफ 1.5 लाख। ये कौन ठीक है 18,50 तो बहुत आसान निकला यार। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया था ना, दिया था यार, कैसी झूठ बोलते हो यार। चलो मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवाता हूँ। क्या तू आज कुछ नहीं बोलेगा? तू बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा आज, ठीक है? तू आगे आके बैठ, तू आगे आके बैठ। चुप रहेगा तू अभी, ये तो पड़ेगी है बिल्कुल सीधा। और कोई होमवर्क दिया था क्या? नहीं। आरटीपी के क्वेश्चंस वगैरह? नहीं। वैसे आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था? हाँ। 2? नहीं, नहीं किया था। और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस? हाँ एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे, पक्का? चलो तो वापस आ जाओ, नोट्स में ही आ जाओ। मैं सबसे पहले आपको करवाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आप अगर इसको करके जाओगे आपकी सारी बातें कवर हो जाएंगी इस एक क्वेश्चन से, मैक्सिमम सारी बातें कवर हो जाएंगी लगभग इस एक क्वेश्चन से।
पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। बेटा अपनी रफ कॉपी साथ में रखें, अभी डिस्कस करते जाएंगे तो ऐसा रफली रफली आपको अगर मान लो कुछ सॉल्व करना हुआ तो साथ में रखिए, कैलकुलेटर वगैरह साथ में रखिए। अ कंपनी क्यू इज विलिंग टू सेल इट्स बिजनेस, द परचेजर हैज सॉट प्रोफेशनल एडवाइस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी, ही हैज द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टुगेदर विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016 इज एज अंडर, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच, प्रेफरेंशियल 8% प्रेफरेंशियल ऑफ रुपीज 100 ईच, इक्विटी भी 100 ईच, रिजर्व्स एंड सरप्लस 9% डिवेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स नेट, अब पता नहीं क्यों ये नेट लिखा है यार, समझना पड़ेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है बस। उसके बाद आगे द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड, डिबेंचर को रिडीम किया जाएगा, हम वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन में ये डिबेंचर के रिडेम्पशन की बात हो रही है, डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ द वैल्यू इन बैलेंस शीट, एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल बी सोल्ड एट देयर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू विच इज कोटेड एट 4,95,200, द अबव ट्रांजेक्शन विल बी प्रायर टू द परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, द अबव ट्रांजेक्शन विल बी प्रायर टू द परचेज ऑफ इक्विटी शेयर, ऊपर वाली पॉइंट पढ़ो, अ कंपनी क्यू इज विलिंग टू सेल इट्स बिजनेस, एक कंपनी है जो अपने बिजनेस को सेल करना चाहती है, तो कोई परचेजर होगा उस कंपनी को खरीदने वाला, तो वो परचेजर जो उस कंपनी को खरीद रहा है, खरीदने से पहले ये दो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, ये दो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, इन दो छोटे ट्रांजैक्शन से कंपनी क्यू की बैलेंस शीट में कुछ बदलाव हो जाएंगे, और बैलेंस शीट में बदलाव होंगे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में बदलाव होंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में बदलाव होंगे, आई बात समझ में। तो अपन आगे बिना बढ़े अपन एक काम करते हैं, अपन एक वर्किंग नोट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, वर्किंग नोट नंबर 1, इफेक्ट साथ साथ मेरे बनाते जाइए, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिफोर वैल्यूएशन, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिफोर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से पहले के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका इफेक्ट, उसमें सबसे पहले क्या है, पहला टेल मी, पहला बोलो, डिबेंचर्स रिडीम्ड, डिबेंचर्स रिडीम्ड, बैलेंस शीट वैल्यू क्या है, 560, रिडेम्पशन एट क्या 5,60,000, तो रिडेम्पशन कितने पे होगा, 25% डिस्काउंट पे, बोलो कितना आयो, 4,20,000, इससे क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट से लाइबिलिटी 5,60,000 की कम हो जाएगी और कैश आपका 420 से कम हो जाएगा, अगर एंट्री पॉइंट अभी से चलोगे तो एंट्री होगी डिबेंचर 560, टू बैंक 420, टू रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट हो गया ना, एक तरीके से हमने डिस्काउंट पे रिडीम कर दिया, कितना 140, समझ आया। सेकंड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड सेल वैल्यू कितने में बचे,
495 200 और कॉस्ट बैलेंस शीट वैल्यू 480 500 प्रॉफिट क्या हुआ होगा 485,000 10,200 एंट्री क्या हुई होगी बैंक डेबिट 495 200 टू इन्वेस्टमेंट्स 485 टू रिजर्व एंड सरप्लस 10,200 सो इनके कारण हमारा रिवाइज्ड क्या लिखा है कैश एंड बैंक बैलेंस रिवाइज कैश एंड एक बात बताओ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए असेट्स और लाइबिलिटीज असेट्स और लाइबिलिटीज रिजर्व सरप्लस आपकी लाइबिलिटी है क्या तो मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं वर्किंग नोट बनाने में कि मेरा रिजर्व सरप्लस कितना आया छोड़ो भाड़ में जाए मेरे को तो चाहिए कैश एंड बैंक बैलेंस ना ठीक है हाँ बैलेंस शीट वैल्यू बोलो बैलेंस शीट वैल्यू बोलो कैश एंड बैंक बैलेंस की 520 माइनस रिडम्पशन 40 प्लस इन्वेस्टमेंट सोल्ड 5,95,700 क्या बात कर रहे हैं पक्का 5,95,720 ओके क्लियर है तक आगे बढ़े पक्का चलो आगे क्या बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्राइसिंग ऑफ गुडविल भैया क्यों कंपनी अपने आप को बेच रही है उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा द नॉर्मल रेट यार देखो पढ़ के देखो मजा आ जाएगा क्या लिखा है द नॉर्मल अरे गधों पढ़ो ध्यान से पूरे फॉर इक्विटी शेयर्स तो अब जो एनआरआर हमें दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है फॉर इक्विटी शेयर्स इससे क्या क्या हो सकता है इसके कारण क्या क्या होगा इसके कारण क्या क्या होगा टेल मी इसके कारण क्या क्या होगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा किसकी निकाल अब इसकी किसकी निकालेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाल आपको एफएमपी भी आपको इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से निकालनी पड़ेगी ओ माय गॉड समझ आएगी नहीं तो अलग से अलग एक पेज पे नोट में डालो सिंस एनआरआर ऑफ 10% is given for equity shares. आपको नोट की वैल्यू पता है बेटा आपको नोट्स की वैल्यू पता है नोट मतलब वो पैसे वाला नोट नहीं जैन साहब तुम तो मतलब एक ही मतलब साला हर जगह तुम अपना मतलब वो बस आपको नोट्स की वैल्यू पता है हा? क्या वैल्यू पता है हाँ बोल रहे हो क्या वैल्यू पता है क्यों क्या सर बहुत काम आते हैं बहुत कम चीजें पढ़नी होती है मेन चीजें तो तू यहाँ लिख रहा है उसको सर वो अब नोट्स सर मैं ना बात कर रहा हूँ उन नोट्स की जो आपको आपके एग्जाम के सोल्यूशन के साथ डाल के आने पड़ेंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ हाँ तो तूने यहाँ नोट कर लिया आपको वैल्यूएशन चैप्टर में मुझे एक बात बतानी है ध्यान से सुन लो पहले भी मैंने बोली थी कल की क्लास में भी बट शायद आपने मैंने ज्यादा एम्फेसाइज करके नहीं बोली थी अगर आप वैल्यूएशन का सॉल्यूशन करके आ रहे हो और उसमें अगर आपने नोट्स अलग से नहीं डाले हैं मान के चलो कि आपके कम से कम 20% मार्क्स कटेंगे
20% मार्क्स कटेंगे। वैल्यूएशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको नोट्स डालना जरूरी है एज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे लास्ट में डलते हैं नोट्स, ताकि चेकर को हम बता दें कि हमने क्या क्या चीजें सोच के चले। तो जो ये नोट्स मैं लिखवा रहा हूं, ये नोट्स मैं आपके सॉल्यूशन का पार्ट लिखवा रहा हूं, तो कहीं इधर उधर मत लिखिए। तेरे को बोला मैंने कहीं इधर उधर मत लिखिए। क्या कर रहा है? नोट्स में लिख, तूने उसमें बुक में लिख दिया, उसमें लिख नीचे नीचे कहां लिखेगा? सर क्वेश्चन के साथ ही लिख देता हूं। नहीं, साथ में नहीं लिखना है, आप एक दूसरे पेज पे जाना। तू भी बनिया है क्या? फिर एक नोट, नोट नंबर वन क्या? Since क्या लिखवाया था? NRR of 10% on equity share is given for equity share. Therefore, capital employed and FMP shall be calculated for equity shareholders. After deducting preference shareholders claim, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आ जाओ। बोलो क्या लिखा है आगे? मुझे मत देख, आगे पढ़ गणपति। क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द पास्ट थ्री इयर्स आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट। इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आफ्टर है, उसको बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर अब आप रिडीम कर चुके हो, तो फ्यूचर में आप कंपनी उसका इंटरेस्ट नहीं देगी, तो ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग आइटम। तो रफ में लिख रहो कि डिबेंचर इंटरेस्ट विल बिकम द नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्योंकि आफ्टर है, वाह। पता नहीं कहां कहां से हम मिल जाते हैं यार। चलो आगे। आज ऐसा ही कुछ सुबह की क्लास में हुआ। मतलब फाइनल वाले बच्चे बैठे थे, सबसे कोने में एक बच्चा बैठा था। मैं यहां पर एक वर्किंग बना रहा हूं, जस्ट लाइक दिस एक वर्किंग बना रहा हूं, और अभी तक मैंने उसका टोटल नहीं किया। मैंने बोला कितना हो जाएगा? उसने बोला बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई तू क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करके दे दे। मैंने बोला कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। मैंने सोचा आईपीसी से इंटर वाले ऐसे होते हैं। फाइनल में बड़े लोग हैं बहुत सारे। आ जाओ। प्रॉफिट फॉर द पास्ट थ्री इयर्स आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट बट बिफोर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। अभी मैंने आपको एक नोट लिखवा दिया था, नोट लिखवाया था। तो आपको जो भी लेना है अब आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं, 295, 499, 325। गुडविल क्या लिखा है? गुडविल इज रिलेटेड 3 years purchase of adjusted एवरेज प्रॉफिट, 3 into सुपर प्रॉफिट है ना, एडजस्टेड एवरेज सुपर प्रॉफिट। आगे, इन द ईयर 2015 20% ऑफ द प्रॉफिट मेंशन्ड अबव वाज ड्यू टू, क्या करेंगे? हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। द लैंड एंड बिल्डिंग has a current rental value of 62,400 and 8% return is expected from this property. मतलब sir 8% नहीं, ध्यान से पढ़ो। ये रहे जैन साहब। हाँ बोलो बेटा, 4,55। ये 4,55 कहां से आया? 545 लैंड बिल्डिंग की वैल्यू, उस पे क्या 8% रिटर्न एक्सपेक्ट? नहीं साहब, ये भी गलत।
The Lander building has a current rental value of 62,400 and 8% return is expected from the property. हाँ तो एग्जैक्टली करो करो कुछ समझ में आया. लैंडन बिल्डिंग से हमें रिटर्न कितना हो रहा है 62,400 का रेंट आ रहा है और ये चीज हमारी 8% का एक्सपेक्टेशन है. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैंड. अरे कैपिटलाइजेशन. आप याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में कैपिटलाइजेशन का मीनिंग समझाया था. 62,400 आपको अगर एक साल में लैंड से रेंट मिल रहा है और हर साल ये मिलता रहेगा 8% के रिटर्न पर, तो आज लैंड की वैल्यू क्या है? आज लैंड की वैल्यू 780 है. अब आपको ये कहां काम आएगा? जब अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो लैंड बिल्डिंग 780 लेंगे, 545 नहीं लेंगे. कितना अच्छा पॉइंट है ये, सोचो. वेरी गुड, साइड में लिख दो वेरी गुड पॉइंट. अरे हंस रहा हो यार, मैं यही करता था बचपन में. मतलब मैं आप समझते ही तेरी ऐसी की थी. क्या बोला ये? हाँ. आप समझो इस बात को, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा. वेरी गुड पॉइंट. एग्जाम टाइम में आपके सामने होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. अब आप इकट्ठा पूरा क्वेश्चन, मान लो आपको टाइम नहीं मिल रहा पूरा पढ़ने का, तो एग्जाम में क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स. तीन चैप्टर आपके सबसे बड़े हैं आपके पूरे सिलेबस में, एक वैल्यूएशन, एक अमेलगमेशन और एक कंसोलिडेशन. कितने क्वेश्चंस देख के जाओगे, बस की नहीं है देखना, है ना, कितने क्वेश्चंस देख के जाओगे. तो एट द डे एंड क्या होता है, क्वेश्चन पूरा उठाया उसके पॉइंट्स देखते हैं अपन, यार कौन से पॉइंट पर मैंने टिक लगा लिया है, डबल स्टार लगा लिया, वेरी गुड लिख लिया या कुछ लिख लिया, यार ये पॉइंट अच्छा था, हाँ इस पॉइंट का अगर आया तो ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट होगा, चलो ठीक है मैंने इसको देख लिया, रिवाइज कर लिया. पूरा क्वेश्चन देखने के बजाय अपन पॉइंट भी जल्दी जल्दी करके रिवाइज कर सकते हैं. तो इसलिए बोल रहा हूं उसमें लिख दो वेरी गुड पॉइंट. मजे मत लो मेरे इस चक्कर में, मजाक नहीं कर रहा हूं. चलो आगे. On 31st March 2016, 8% debtors existing on the date had been returned as bad. 8% debtors existing on the date had been returned as bad. Charged to profit and loss as provision for doubtful debts. The same are now recoverable. अब वो recoverable हैं. आप ध्यान से balance sheet में debtors देखो कितने दिख रहे हैं. वो नेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपने 92% वैल्यू पे दिख रहा है डेटर्स, बट अब 8% रिकवरेबल है तो डेटर की वैल्यू बढ़ा दो. डेटर अपने 92% वैल्यू पे दिख रहा है, 4,62,630. कैसे किया, 425,620 डिवाइड बाय 92% कर लिया तो 100% वैल्यू पे आ गया. अब डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई. आपको पता है इससे क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में भी ले लेंगे, बट इससे एक और चीज होगी, ये जितने से आपने डेटर्स की वैल्यू बढ़ाई है प्रॉफिट भी बढ़ेगा. एक और चीज, सिर्फ डेटर्स बढ़े, आपने पिछले साल इसको बैड डेट मान लिया था, बैड डेट माना था कि नहीं, बैड डेट माना होगा, इनकम टैक्स में डिडक्शन ले ली होगी, इस बार वापस ही रिकवरेबल हो गया, तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स का प्रोविजन बनाना पड़ेगा इस पे, इसलिए साइड में लिख रहा है टैक्स रेट इज दिस. यार ये तो वेरी वेरी गुड पॉइंट हो गया. क्यों जैन साहब? तो बेटा आज जो जैकेट पहन के आया ना मेरे को, वो पसंद आ रही है, ठीक है, थोड़ी देर बाद तू बचेगा नहीं तेरे कपड़ों में. हाँ चल आगे आगे. अ क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन लॉन्ग कंटिजेंट ऑफ ₹25,000 हैज बीन परस्पिरेट एंड इट इज टू बी अकाउंटेड फॉर. अरे कुल मिला के जो क्लेम है ना, बहुत टाइम से कंटिजेंसी चल रही थी, देंगे नहीं देंगे. अब आ गया फाइनली कि अब पे करना ही पड़ेगा क्लेम को, तो अब इसको अकाउंट फॉर हमें करना पड़ेगा. इसका मैं ट्रीटमेंट डायरेक्ट आपको एफएमपी के टाइम पे समझाऊंगा, अभी रुक जाओ. आगे पढ़ो लास्ट पॉइंट.
इसने आपको हिंट भी दे दी अच्छी खासी, अगर हिंट नहीं भी देता तो भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके थे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट पे नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, आप करो इसको सॉल्व। चलो सबसे स्टार्टिंग में एफएमपी, सबसे स्टार्टिंग में क्या निकालना है? एफएमपी। वर्किंग नोट नंबर वन, एफएमपी कितने ईयर है बेटा? ईयर एंडिंग 14, 15 और 16, बोलो प्रॉफिट्स क्या है? 325,000। हाँ, मैं इसको ये बोल सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। पढ़ो 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 पढ़ो, बोल सकते हैं 100% प्रॉफिट आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट, बट बिफोर लिखा है ना, मेन बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ कितना? 325 4 99 295। एक काम करो पीबीटी में कन्वर्ट करो, पीबीटी कन्वर्ट करो, पीबीटी कन्वर्ट करो, बोलो 5,00,000 7,67,692,4 ये आ गया पीबीटी। हाँ, वापस से सारी पॉइंट्स एक एक करके शुरू करते करना। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन डिबेंचर, बोलो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट को हमने नॉन रिकरिंग माना था, तो अब इंटरेस्ट को एड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बोलो कितना? 560 का 9%, 50,400। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड, इसी पॉइंट में इन्वेस्टमेंट को सेल किया था। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ सकता है, मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। इसी पॉइंट में इन्वेस्टमेंट को सेल किया था, इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट आया था 6,200 का। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो प्रॉफिट आया 10,200 का, सर इसको भी हटाओ, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट को सेल किया है। बेटा हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अभी अभी ट्रांजेक्शन हुआ, ये प्रॉफिट आपके प्रॉफिट में शामिल ही नहीं है, तो हटाने की मतलब ही नहीं है। ये ट्रांजेक्शन जस्ट अभी हुआ है। अगर ये ट्रांजेक्शन 2 साल पहले हुआ होता, 1 साल पहले हुआ होता, तो ये 10,200 का प्रॉफिट कहीं ना कहीं शामिल होता, तो उसको नॉन रिकरिंग से हटाते। ये नहीं हटेगा अभी। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट तो एनआरआर, चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लिया, लिख लिया ना ये तो अपने। हाँ, फोर्थ पॉइंट छोड़ दो, गुडविल। फिफ्थ पॉइंट हाँ, पीबीटी का 20% माइनस नॉन रिकरिंग प्रॉफिट 567,692 का 20% 538। ठीक है, ये कैसे आया? ट्वेंटी परसेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर सिक्स ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। कुछ बच्चों को डाउट आएगा, सर इसमें रेंट भी तो दिया हुआ है, रेंट को नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानो। बेटा उसने ये बोला है कि अगर आज मैं लैंड को किराए पर दूं तो मुझे रेंट आराम से इतना मिल जाएगा। मिल नहीं रहा है, मेरी कोई इनकम नहीं है, है ना। आगे, हाँ, सेवेंथ नंबर पॉइंट डेटर्स को आपने वापस से ऊपर कर दिया, तो ये आ जाएगा रिवॉल्यूशन ऑफ आपका क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स रिवॉल्यूशन का डेटर्स का अपवर्ड हो गया। कितने से अपवर्ड हो रहा है डेटर्स का?
अपवर्ड इन डेटर्स, अपवर्ड इन डेटर्स, अपवर्ड इन डेटर्स 37,010. कैसे सर? 425,620 डिवाइड बाय 92 इंटू 8, इंटू 8 कर दो डायरेक्ट 37010. हाँ, कौन से ईयर में? आखिरी वाले ईयर में 37010. 37010 बेटा क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता हूं, आता हूं, आता हूं, रुक जा, सब आएंगे अभी, सब आएंगे इस पर. नेक्स्ट पॉइंट, 25,000 का क्लेम आ गया तो एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा और लाइब्रेरी बुक करनी पड़ेगी. एक जगह एक्सपेंस बढ़ेगा, एक जगह लाइब्रेरी बढ़ेगी, तो कॉम्पनसेशन माइनस कॉम्पनसेशन क्लेम 25,000. ठीक है, चलो बताओ क्या क्या हो रहा है. हाँ बोलो. 550,400 6,64,5,16,256 ये वाला. पहले सही से निकाल लो, गड़बड़ तो नहीं कर रहे. क्या आएगा ये एडजस्टेड प्रॉफिट? हाँ बताओ कौन सा एवरेज, कौन सा एवरेज? पहले चेक कर लो क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है क्या. क्या करेंगे? सिंपल. सिंपल क्यों? नोट डालो, इस चीज का नोट डालो. क्या नोट डालोगे? सिंस एडजस्टेड प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, therefore we took simple average basis. Simple average adjusted profit. Tell me. 577,070. क्या करेंगे अब? कोई फ्यूचर इनकम और एक्सपेंस चेक करो. वो तो छोड़ दो, फ्यूचर इनकम और एक्सपेंस है क्या? हाँ, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन है क्या ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट? डेप्रिसिएशन रेट तो गिवन ही नहीं है, कुछ भी नहीं. माइनस करो टैक्स एट द रेट ऑफ क्या परसेंट था? 35% करो. क्या टैक्स नहीं चाहिए मुझे? हाँ, मुझे कभी भी टैक्स नहीं चाहिए होता है. बोलो एफ एम टी ए टी, ये टैक्स टैक्स मत बताया करो. 37,50,095 क्या हुआ? थ्री सेवन फाइव जीरो नाइन फाइव क्लियर है? क्या हम यहां पर ओवर करें एफ एम पी 80 निकालने के बाद कि अभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा? इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूं कि नहीं करूं? क्योंकि एनआरआर इक्विटी का दिया हुआ है, अगर एनआरआर इक्विटी का नहीं दिया होता तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करते. आपने नोट नंबर 1 भी डाल दिया है, तो एनआरआर प्रेफरेंस डिविडेंड निकालो. हाँ जो भी है, कितना आ रहा है? 225,000 का 8%. हाँ, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड
8000 साइड में लिख भी सकते हो रिफर नोट वन। हाँ तो 18 लिखा है कदे चश्मिश। इसमें साइड में लिख लेना रेफर नोट वन। बताओ कितना आया 357095। ये आ गया आपका एफएमपी फाइनल एफएमपी 357095। क्लियर। ये वर्किंग नोट नंबर 2 था क्योंकि 1 हो चुका है अपना उधर। हाँ हाँ अब बोलो वर्किंग नोट नंबर 3 कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो बोलो सबसे पहले क्या आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 780,000 क्यों। हाँ नोट नंबर 3 डालो नोट नंबर और उसमें वर्किंग दिखा दो। नोट नंबर 3 वर्किंग दिखा दो इसकी। क्या वर्किंग दिखाओ बेटा 62400 डिवाइड बाय 8% लैंड की रिवाइज्ड वैल्यू। देखो आपके ऊपर नोट बनाओ ना बनाओ मैं तो भाई बता दे जाऊंगा फिर आपके ऊपर है। बहुत अखरे की दिख देखना एग्जाम में 780। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट कितना नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट तो बेच गए बेच दिए 380। नेक्स्ट डेटर्स याद है डेटर्स अपन ने वो रिवाइज कर लिए थे 630। उसके बाद कैश एंड बैंक याद है कैश एंड बैंक का वर्किंग नोट नंबर 1 निकला था कितना 7। इसमें लिख दो W1 वर्किंग नोट नंबर 1 माइनस क्या क्या होगा करंट लायबिलिटी कितनी माइनस डिबेंचर तो नहीं होंगे और कॉम्पनसेशन क्लेम 25,000 ये एक लायबिलिटी हो गई ना एक तरीके से। ये सब मोस्टली भूल जाते हैं ये वाला पॉइंट अपन हमेशा भूल सकते हैं इसको डबल स्टार लगा लो ये पॉइंट आप मोस्ट ऑफ द केसेस में भूलोगे। अच्छा जी माइनस एडिशनल टैक्स प्रोविजन। बताओ एडिशनल टैक्स प्रोविजन क्या है एडिशनल टैक्स प्रोविजन किस पे जो डेटर्स का डिफरेंस आ रहा था ना बताना कितना आ रहा था डेटर्स अपवर्ड बाय 37010 और एक 25,000 की क्लेम यार इस पे भी तो टैक्स भरना पड़ेगा सॉरी टैक्स की सेविंग होगी है ना तो माइनस क्लेम कॉम्पनसेशन। बताओ कितना 12,000। ये प्रॉफिट इतने से इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर कितना परसेंट था 35% का टैक्स लगेगा 4,000 चाहिए नहीं टैक्स चाहिए ना मुझे तो इस बार 4,203 टैक्स चाहिए मुझे 4,203 एडिशनल टैक्स प्रोविजन। एक और लास्ट चीज माइनस होगी नोट नंबर 1 जो आपने लिखा है क्या माइनस होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,25,000 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स।
2093507. ये क्लोजिंग आ गया, कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए हमें? एवरेज चाहिए वैसे, क्योंकि हमने सिंपल एवरेज लिया था। नोट नंबर नेक्स्ट, क्या नोट नंबर डालोगे? फोर। क्या? सिंस एफएमपी इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल एवरेज, सिंस एफएमपी इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल एवरेज, वी मे कंसीडर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फुल स्टॉप। ऑल्टरनेटिवली क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑल्सो बी टेकन। भाई दोनों लिख के आओ, दोनों से सॉल्व करके आओ। कल बताया था ना मैंने, दोनों लिखो, दोनों से सॉल्व करो, सेफ सिचुएशन में रहोगे। चलो एवरेज माइनस हाफ आरपेट, बोलो हाफ आरपेट कैसे निकलेगा? 295 लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में पीएटी। क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रेक्टिफिकेशन है? नहीं। क्या 37010 रेक्टिफिकेशन है? हाँ, बैड डेट था और वो पिछली बार हमने बैड डेट मान लिया था, अब इस बार हमने उसको वापस से करना पड़ेगा। दिस इज अ रेक्टिफिकेशन। क्लेम ऑफ कंपनसेशन, दिस इज अगेन अ रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा 453846 प्लस 37010 माइनस 25,000। फोर सामने वाले का कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने में, दूसरा वाला बोल रहा हाँ तो फिर सही है। 8 5 6 माइनस 35% टैक्स 302806, उसका हाफ कर दो 1 5 1 4 3 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1942103 क्लियर? पक्का 1942103 एवरेज कैपिटल आ गई। बस अब फाइनल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दो अलग अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर करके करेंगे। पहले तो एफएमपी बताओ 095 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 2093507 इंटू 10%, तो 2093501। सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट 1477 44 सुपर प्रॉफिट इंटू 3 और ये एफएमपी 357095 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकालेंगे? एवरेज पे 1942103 इंटू 10% 194210 सुपर प्रॉफिट 162885 इंटू 3 488
655. So guys, this is your question ka answer. हाँ जी, हो गया आपका, ये समझ में आ गया, ये पूरा एग्जाम के लिए इसको टिक लगा लो बेटा, पूरे क्वेश्चन को। मुझे ये बताओ कि लेवरेज का मतलब क्या होता है? बताओ ना। कितना फिक्स एसेट लगा है अपने धंधे में? कितना फिक्स एसेट लगा है अपने धंधे में? इसका लेवरेज का मतलब होता है कि आप मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है
लेवरेज एफए में पढ़ा होगा ना, और अच्छे से बताओ ना भाई आपको क्या ये बिल्कुल सही जवाब सर, आप बताओ आपको क्या सुनना है ये लड़का बहुत आगे जाएगा, सीरियसली ये लड़का बहुत आ जाएगा आगे जाएगा। तू बेटा तू बिजनेस ही करेगा, मुझे बता तू सीए बन भी गया ना, तू बिजनेस ही करेगा आपको क्या सुनना है, वेरी गुड। मुझे सुनना है नॉट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के रिस्पेक्ट में, मुझे सुनना है सोर्स ऑफ फंड्स के रिस्पेक्ट में। मैंने तेरे को बता दिया, अब बोल सुनाओ। आपने अभी मुझे जो बात बोली लेवरेज का मतलब, आपने मुझे टूवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बारे में बात की। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट डू यू मीन बाय लेवरेज और लेवरेज का रिलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द कंपनी। अच्छा बोलो, कितना पैसा इक्विटी से है और कितना पैसा अपने को कमाना है उसको पे करने है। अगर डेब्ट से लिया है अनलीवर्ड का मतलब क्या होता है फिर? लीवर्ड फॉर्म अनलीवर्ड फॉर्म, ये टर्म आपने एफएम में पढ़ा होगा अगर लेवरेज का चैप्टर पढ़ा है तो। लीवर्ड फॉर्म अनलीवर्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में डेट्स कम होते हैं उसको अनलीवर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और लीवर्ड फॉर्म को जिसमें ज्यादा होते हैं, एक काम करते हैं ठीक है, मेक इट सिंपल। सिंपली बात करें अपन, सिंपल लेमेन लैंग्वेज में बात करें, इतना क्या अपन दूर भागे, छोड़ो लेवरेज समझना है ना। सिंपल सी बात है, अगर आपने अपनी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है बाहर वालों से लेकर और अपना मिलाकर, अपनी कंपनी में अगर तुमने जो पैसा लगाया है वो बाहर वालों से भी लिया है और अपना भी लगाया है, तो उस फॉर्म को बोलते हैं लीवर्ड फॉर्म। एक ऐसी फॉर्म जिसमें जिसमें आउटसाइड बोरोइंग्स भी होती हैं, जिसमें आउटसाइड बोरोइंग्स होती हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं लीवर्ड फॉर्म। उस फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेचारों को रिस्क होती है। क्यों? क्योंकि तुमने पैसा बाहर से भी लगाया है, बाहर से पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली जितना भी तुम प्रॉफिट कमाओगे पहले तुम बाहर वालों को रिटर्न प्रोवाइड करोगे, तो इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तुमसे, या यूं कहें एक्सपेक्टेशन छोड़ो, अब वो डिमांड तुमसे ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी कंपनी में एक रिस्क इन्वॉल्व है। कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है? तुम्हारी कंपनी में पैसा बाहर ही लगा हुआ है, बाहरी पैसा लगा हुआ है, इसका मतलब जो भी तुम प्रॉफिट अर्न करोगे उसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन तो तुम्हें बांटना पड़ेगा बाहर वालों को। एंड में जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद में तो इक्विटी वालों को मिलेगा। सो दे नो वेरी वेल कि यार ये लीवर्ड फर्म है, इस लीवर्ड फर्म में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ साले बाहर वाले ले जाएंगे इंटरेस्ट के रूप में। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि आउटसाइड बोरोइंग्स है, तो लीवर्ड फर्म में इक्विटी शेयर होल्डर्स उस लीवर्ड फर्म से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अब दूसरा, एक दूसरी फॉर्म जो बिल्कुल सेम कैपिटल मेंटेन कर रही है पहली फॉर्म की तरह,
एक पहली फॉर्म है जिसके ओन फंड्स 15 करोड़ के लगे हैं और आउटसाइड बोरोइंग्स 10 करोड़ की हैं, तो कुल मिला के कितना है? उसने अपने बिजनेस में सोर्स ऑफ फंड्स 25 करोड़ लगा के रखा है। दिस इज द कैपिटल बेस। नाउ आई एम ट्रीटिंग आउटसाइड बोरोइंग इज ऑल्सो कैपिटल फॉर द टाइमिंग, कि दिस इज द कैपिटल बेस। तुम्हारी कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? ओवरऑल 25 करोड़। इसको बोलूंगा लीवर्ड फॉर्म। लीवर्ड फॉर्म में एक डिसएडवांटेज, इक्विटी शेयर होल्डर बुरा मान जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। एक एडवांटेज, उसको टैक्स का बेनिफिट ज्यादा मिलता है क्योंकि उसको डिडक्शंस मिलेंगे इंटरेस्ट के आउटसाइड बोरिंग पर। एक अनलीवर्ड फॉर्म, मान लो हम एक डमी क्रिएट कर रहे हैं, सेम फॉर्म, मान लो एक ऐसा व्यक्ति जो बोले कि मुझे सेम यही 25 करोड़ रुपए लगाने, बट सिर्फ ओन फंड से, एक रुपए का भी डेट नहीं। आपने भी थोड़ा सा गलत बोल दिया कि जिसमें थोड़े से कम डेट होते हैं, हाँ, ऐसी फॉर्म जिसमें डेट्स होते ही नहीं है, जिसमें बाहर का पैसा लगा ही नहीं है, जिसमें बाहर का पैसा है ही नहीं, जिसमें बाहर का पैसा ही नहीं है, पूरा का पूरा कौन सा है? ओन फंड्स है। तो सोचो इक्विटी शेयर होल्डर, अब उसके सामने दो कंपनीज है, दोनों सेम इंडस्ट्री में, दोनों मैन्युफैक्चरर्स हैं। मान लो ये दोनों पेपर मेकिंग का काम करते हैं, पेपर बनता है ना, पेपर बनने का काम, दोनों पेपर मेकिंग का काम करते हैं। इस कंपनी में 25 करोड़ रुपए लगाए गए, उसमें से 10 करोड़ बाहर से लगाए गए, और इस कंपनी में 25 करोड़ खुद के लगाए गए। आप शेयर होल्डर, शेयर खरीदना चाहते हो, किस कंपनी के शेयर से ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे? पहली वाली से। क्यों? उसमें डेट्स है, डेट ज्यादा नहीं, उसमें डेट्स है। आप बोलोगे क्यों? कि जब ये कंपनी बंद होगी ना, तो पहले मुझे नहीं मिलेगा, पहले बाहरी वालों को मिलेगा। जब ये कंपनी अपने प्रॉफिट अर्न करेगी ना, हमें नहीं बांटेगी, पहले टैक्स भरेगी, पहले इंटरेस्ट देगी। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा। और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कम किससे होगी? थोड़ी सी कम, डाउन, अनलीवर्ड से। क्यों? बढ़िया है यार, इसमें तो बाहर का पैसा है ही नहीं, कंपनी में रिस्क ही नहीं है, वेरी गुड। इसमें तो मतलब कंपनी बंद हुई तो मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी मुझे पैसा मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? मैं अगर इससे थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशन भी रखूं तो चलेगा यार, मेरा पैसा सेफ है। आई बात समझ में कि नहीं? सो दिस इज अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड, सिंपल। किसमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है? जिसमें डेट्स होता है, ठीक है, जिसमें डेट्स नहीं होता है उसमें एक्सपेक्टेशन कम होती है। डिसीजन मेकिंग वाला यही पॉइंट आपको एफएम में सिखाया जाता है कि दोनों में से सही फॉर्म कौन सी होती है। एक आपके उसमें लीवरेज का चैप्टर है, वो तो डेट इक्विटी रेशियो तो हमेशा लीवर्ड का ही रहेगा, इसका तो रहेगा ही नहीं बेचारे का डेट इक्विटी रेशियो, इसका तो जीरो रेशियो रहेगा। अगर डेट्स है तो आइडल रेशियो वो है, उससे ऊपर मत जाओ, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वही होना ही चाहिए, वो आइडल है। अगर आपके बुक्स में डेट्स हैं तो आपके उसमें लीवरेज का एक चैप्टर है, उसमें बताया जाता है कि लीवर्ड फॉर्म कौन सी थी, अनलीवर्ड, और उसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में करें, लीवर्ड फॉर्म से करें कि अनलीवर्ड में करें। तो डिसीजन मेकिंग आपको पूरा देखना पड़ता है कि रिटर्न्स कौन ज्यादा दे रही है, परसेंटेज एनआरआर वगैरह सब किस में क्या हो रहा है, आपको पूरा दिखाना। मैं वो नहीं बताने वाला हूं, वो तो आपको एफएम का टीचर बताएगा ना, मैं तो आपको सिर्फ एक मीनिंग बता रहा हूं कि लीवरेज का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? लीवरेज का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि उसको मैं यहां कनेक्ट करना चाहता हूं गुडविल से, क्योंकि मैं उसको किससे कनेक्ट कर रहा हूं? गुडविल से। हमें जब भी क्वेश्चन आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारी ओरिजिनल कंपनी होगी ये वाली। कौन सी वाली? लीवर्ड। और हमें सबसे पहले एक गुडविल निकालनी है इसके डेटा के हिसाब से। बताओ, जब आप इसके डेटा के हिसाब से गुडविल निकालोगे तो गुडविल के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एफएमपी। तो एफएमपी निकालने के लिए आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, इंटरेस्ट तो माइनस होता है ना नॉर्मली प्रॉफिट्स में से, फिर टैक्स निकलेगा, फिर टैक्स माइनस करोगे तो फिर एफएमपी आएगा। और दूसरी अगर गुडविल निकालो इस कंपनी के हिसाब से, तो इसमें तो टैक्स ही नहीं होगा, इसमें तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। सोचो फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, जब इस कंपनी की आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो असेट माइनस लाइबिलिटीज, तो माइनस लाइबिलिटी में माइनस आउटसाइड बोरोइंग्स बह जाएगी, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड छोटी हो जाएगी।
हाँ, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड में माइनस आउटसाइड लायबिलिटी निकल जाएगा। हाँ, और यहाँ पर इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटी वो है ही नहीं, इसका तो पूरा का पूरा सेम 25 करोड़, इसकी इसका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया। बोलो बेटा, दो बातें, ठीक है। तीसरा एनआरआर, इसका एनआरआर डिफरेंट होगा और इसका एनआरआर डिफरेंट होगा। एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन इक्विटी की, अभी तो बताया एनआरआर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। तो इसका एनआरआर का परसेंटेज इसके कैपिटल एम्प्लॉयड पे लगेगा, इसका अपना एनआरआर का परसेंटेज इसके कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलेगा। तो सोचो, दो आपसे बोला जाएगा कि दो दो गुडविल निकालो, एक गुडविल लीवर्ड फर्म की, एक गुडविल अनलीवर्ड फर्म की, और बताओ कि किसकी दोनों में से ज्यादा आ रही है। थोड़ा सा इसमें मोल्ड कर लेता हूं, एक्चुअली आपको बोला जाएगा कि आपकी फर्म लीवर्ड है और आपकी गुडविल निकालो। फिर आपको थोड़ी देर से अलग से बोलेगा कि सपोज अगर आपकी फर्म अनलीवर्ड होती तो आपकी गुडविल ज्यादा अच्छी होती कि ज्यादा बुरी होती। यू कैन नॉट से डिसीजन मेकिंग, ये वही डिसीजन मेकिंग आपको यहां पर समझा रहा हूं, बट ये एफएम से थोड़ी सी हटके है। यहां गुडविल की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वहां रिटर्न्स की डिसीजन मेकिंग करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं बेटा, क्लियर है कि नहीं? मैं इसी चीज को आपको क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं कि कैसे होगा। आइए, हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया, फोर्थ। तो अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। पढ़ लो पहले, आराम से पढ़ लो। आपको हमेशा लीवर्ड का डेटा दिया जाएगा, आपको हमेशा लीवर्ड का डेटा दिया जाएगा। फाइंड आउट द लेवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इक्विटी अप्रोच, बेटा इक्विटी अप्रोच मतलब क्या? मतलब डेट्स माइनस करने के बाद। अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक होगा हमेशा लिखा होगा इक्विटी अप्रोच, इसको आप हमेशा लीवर्ड के लिए मानोगे। किसके लिए मानोगे? मतलब ये कि आउटसाइड बोरोइंग्स आर डिडक्टेड, ठीक है। बोलो बेटा, एक दूसरा वर्ड होगा लॉन्ग टर्म फंड्स अप्रोच। सामने देख लीजिए प्लीज, दो मिनट पहले मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या दिया था, ओन फंड्स 15 करोड़ के थे और बोरोइंग्स 10 करोड़ की थी, तो ये 25 करोड़। हाँ, तो इसमें आपको मैं बोलूं कि इक्विटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो तो आपका 15 करोड़ आएगा। हाँ, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर यही बोरोड फंड्स मैं बाहर से ना लेकर घर से लेता, मतलब अंदर वालों से ही लेता, तो क्या होता? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ट्रीट दिस बोरोइंग एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ट्रीट दिस बोरोइंग एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो दिस विल बिकम लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। आई बात समझे कि नहीं? लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच मतलब बोरोइंग्स आर पार्ट ऑफ इक्विटी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस बोरोइंग, ऐसा।
हाँ बेटा क्लियर, आगे बढ़ते हैं, फिर से बढ़ते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी अप्रोच 1150। अब देखो क्या लिखा है, एफएमपी ऑन इक्विटी अप्रोच, मतलब ये कौन सी एफएमपी है, लीवर्ड की अनलीवर्ड वाली? बोलो बेटा, आप ना साइड में लिखते जाओ। एक काम करो, सबसे पहला पॉइंट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी अप्रोच, साइड में लिखो लीवर्ड, फॉर लीवर्ड। दूसरा एफएमपी ऑन इक्विटी फंड, फॉर लीवर्ड। आगे क्या लिखा है, 10% लॉन्ग टर्म लोन, ये तो बोरिंग हो गई, और इसका इंटरेस्ट जो होगा वो लीवर्ड फॉर्म इंटरेस्ट भरेगी इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टैक्स रेट 40%, एनआरआर देखो दो दिए, बताओ लीवर्ड का कौन सा अनलीवर्ड का कौन सा? जो ज्यादा वाला है वो लीवर्ड का है, क्योंकि लीवर्ड से हम हमेशा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो इक्विटी वाला लीवर्ड का है और लॉन्ग टर्म वाला अनलीवर्ड का है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द लीवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर लीवर्ड फॉर्म, जो भी लीवर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से। गुडविल के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहला चाहिए एफएमपी, दिया हुआ है क्या एफएमपी आफ्टर टैक्स तो दिया ही हुआ है, छोड़ दो। उसके क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, दिया हुआ है क्या? देखो सबसे पहले एफएमपी कितना है आफ्टर टैक्स, 180 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1150 के ऊपर कौन सा परसेंटेज लगाओगे, 15 172 500, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ सुपर प्रॉफिट कितना आया, 7500, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। बोलो बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेस दिया हुआ है क्या, जब नंबर ऑफ परचेस नहीं दिया होता तो कौन सी कैपिटलाइजेशन अप्रोच, कैपिटलाइजेशन अप्रोच में डिवाइड बाय एनआरआर 15% गुडविल कितना आया, 50,000। ये आपकी 50,000 की गुडविल किसकी आ गई, लीवर्ड फर्म की। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, इफ लॉन्ग टर्म लोन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देन, तो हमारी गुडविल क्या होगी, मतलब देर आर नो आउटसाइड बोरिंग्स, अगर आउटसाइड बोरिंग ना होके लॉन्ग टर्म फंड इक्विटी का पार्ट बन जाए, तो सबसे पहले बोलो कि हमारा एफएमपी कुछ और हो जाएगा। आपको पता है एफएमपी कुछ और हो जाएगा, क्यों, रुक जाओ। सबसे पहले एफएमपी आफ्टर टैक्स कितना है, तो मेक इट बिफोर टैक्स, जल्दी, मेक इट बिफोर टैक्स क्विक, 3,00,000, ये आ गया एफ एम पी बिफोर टैक्स। अब अगर मान लो लॉन्ग टर्म फंड आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगा, तो आपकी बोरिंग रहेगी नहीं, बोरिंग नहीं रहेगी तो इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी, तो इसमें प्लस इंटरेस्ट 45,000, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 345, टैक्स ज्यादा लगेगा, ऐसे केस में टैक्स लगाओ अब, और ये आ जाएगा आपका एफएमपी अगेन 2,07,000। दोनों एफएमपी डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 45,000 में को माइनस टैक्स कर दो, 45,000 को माइनस टैक्स करना, 2 मिनट, 27,000 उसको 27 को 180 में प्लस कर दो, 2,07 आएगा, मतलब आपने आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट को प्लस कर दिया ना डायरेक्ट,
वो शॉर्टकट होता है, वो भी कर सकते हो एग्जाम में, बट उसके लिए लॉजिक कंप्लीट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट बताओ किस किस पे निकालोगे? आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1150 नहीं है, 1150 में 450 की कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख हो गई के ऊपर 12% लगेगा। पंद्रह हजार डिवाइड बाय 12% 125,000 गुडविल कितना? 125 गुडविल 125। बताओ कौन सी फर्म की गुडविल अच्छी है? अनलिवर्ड की अच्छी है। हमारी कंपनी एट प्रेजेंट है कौन सी, लिवर्ड की अनलिवर्ड? हमारी कंपनी लिवर्ड है। अगर अनलिवर्ड होती तो गुडविल ज्यादा होती, तो हम क्या बोलेंगे? हमारी गुडविल अच्छी नहीं है एट प्रेजेंट, हमारी गुडविल 50 है, 125 तक हो सकती थी। तो व्हाट इज द लीवरेज इफेक्ट? 75,000 एडवर्स। एक होता है फेवरेबल, एक होता है एडवर्स। तो आप दिखाओगे 75,000 एडवर्स गुडविल ड्यू टू लेवरेज, क्योंकि हमारी फॉर्म में लेवरेज चल रहा है, लिवर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, आरटीपी क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, आरटीपी क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, पढ़ के देखो। हाँ ठीक है, उसके बाद पास्ट एग्जाम पेपर्स मई 18 लेवरेज वाला ही है, ठीक है। अब बचा आपका पास्ट एग्जाम पेपर क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपके मॉड्यूल के टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। एक बार मॉड्यूल का क्वेश्चन टेस्ट और नॉलेज निकालो, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। With this we will conclude our entire valuation. तीन तीन बैलेंस शीट्स होंगी, क्या फिगर्स भी सेम है क्या? चेक करो, सारे फिगर्स सेम, सारे के सारे पूरा सेम है, पक्का? डेट्स के अलावा वैल्यूज, आंसर चेक करो ना, आंसर देखो ना, गुडविल कितना आ रहा है? पूरा कॉपी, पूरा कॉपी कर दिया यार, बताओ। क्वेश्चन इज सेम, तो आप मॉड्यूल से करो चाहे नोट्स में से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सेम है पूरा को पूरा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम भी अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, मैं अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूंगा, करना आपको है फिर, ठीक है, और फाइनली अपना वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करने से पहले अपन डिस्कस कर लेंगे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है ना। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो।
पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, समझ आ गया? नहीं आया समझ? द समराइज बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, 16, 17 liabilities, liabilities में क्या क्या है? 320 equity shares of 10 each fully paid, general reserve, profit and loss, trade payables, ठीक है? फिर assets, goodwill already दिया हुआ है, बहुत अच्छा point आने वाला है इस goodwill पे अभी, आप ध्यान से goodwill को देखो, उसका trend देखो क्या हो रहा है, राइट ऑफ हो रही है गुडविल, राइट ऑफ के रिस्पेक्ट में मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको, चेक करो ना, हाँ क्या एफएमपी में चेक करो, एफएमपी में आपके नोट्स में मिल जाएगा, बुक के नोट्स में मिल जाएगा एफएमपी, अगर गुडविल राइट ऑफ किए ड्यूरिंग द ईयर तो उसको एडबैक करेंगे एफएमपी निकालते वक्त, देखो राइट ऑफ किए क्या, कब किए, हर साल नहीं किए, हर साल नहीं किए, दो साल में करिए, 2016 और 2017, ठीक है बेटा, आगे तो गुडविल हो गया, नेक्स्ट है बिल्डिंग मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस, एडिशनल इन्फो, एक्चुअल इवैल्यूएशंस वर एज अंडर बिल्डिंग मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, इसका क्या करोगे, ये रिवैल्यूड फिगर है यार, ये तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड में ले लोगे, अरे बोलो, ठीक है, इन्वेंटरी भी कैपिटल एम्प्लॉयड में ले लोगे, आगे क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, यही पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करना है मुझे, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 840, कौन सा ईयर है, अब ध्यान से इसका ब्रैकेट में पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, रुक जाओ, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, हमें तो एफएमपी निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट चाहिए, तो हमें इसमें से ओपनिंग बैलेंस हटाना पड़ेगा, माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, ठीक है आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिशन, ठीक है राइट ऑफ डेप्रिशन चलेगा कोई दिक्कत नहीं, और आफ्टर राइट ऑफ गुडविल, गुडविल का राइट ऑफ एडबैक करना पड़ेगा, राइट ऑफ गुडविल, उसके बाद टैक्स प्रोविजन, आफ्टर टैक्स मतलब ये प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, उसके बाद एंड आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद का प्रॉफिट है, हमें चाहिए होता है एफएमपी अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले, तो ऐड करेंगे जनरल रिजर्व ट्रांसफर, अब ये फिगर सारे आएंगे कहां से, देखते हैं आगे पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ो, कुल मिला के ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 70, कब का दिया ये, 1/4/2014, क्योंकि 15 को तो क्लोजिंग हमारा निकलेगा, ठीक है आगे बढ़ो, विच इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ गुडविल, ठीक है आगे बढ़ो, एनआरआर, एक एनआरआर दिया है ऑन किस पे, साफ साफ बोल रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, ठीक है आगे, ओपनिंग, अब बस मिल गया, जनरल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, अब 2015 की बैलेंस शीट में देखो कितना है, 24 लाख, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना ट्रांसफर किया होगा, 4 लाख, तो 400 कर दूं क्योंकि ये शायद 100 में है आई थिंक, अब अगले साल और देखो कितना हो गया, 2400 से 2800 हो गया, तो 400 और ट्रांसफर कर दिया था, फिर 400, ये जनरल रिजर्व मिल गया मुझे, आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। गुडविल जो शो हो रही है ना 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट में, उस गुडविल को उसी साल ओपनिंग में परचेज किया गया था कितने का, 20 लाख का। 20 लाख मतलब 2000 रुपए बैलेंस शीट के हिसाब से 2000, और आज 2000 ही दिख रही है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई राइट ऑफ नहीं हुआ, मतलब राइट ऑफ अगले साल से हुआ है। कितना? 400। आगे बढ़ो क्या लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ओपनिंग मिल गई, यहां से भी कहानी। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो 240 हटा देंगे। अगले साल का ओपनिंग बैलेंस देखो, मतलब दो बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में 2015 का एंडिंग, 2015 का एंडिंग 280 और ओपनिंग कितना था 240, तो ये अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा 280। अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा ना, और अपने उसके अगले साल का 320। बोला बेटा, समझ आया। आगे पढ़ो और। वापस से ऊपर चलो, जो एडिशनल इन्फो का पॉइंट नंबर 1 है, बिल्डिंग मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन की रीवैल्यूड फिगर है, क्या इसका इफेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में न्यू वैल्यूज आएंगे ना, पर इसका इफेक्ट क्या एफएमपी में देंगे? नहीं। एडिशनल डेप तो तब जब डेप्रिसिएशन का रेट होगा, जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा। बोलो ना, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ। इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो रही है, और इन्वेंट्री होती है करंट एसेट, और करंट एसेट का इफेक्ट रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एफएमपी में देते हैं। तो मुझे बताओ इन्वेंट्री कितनी है, जबकि आपकी बैलेंस शीट में कितनी है 400 से क्लोजिंग इन्वेंट्री 2015 की बढ़ गई। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 400 से इंक्रीज, तो अगले साल ओपनिंग इन्वेंट्री 400 से डिक्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्री अगले साल का फर्क पड़ जाएगा ना। फिर देखो उसके बाद, देखो देखो देखो, हाँ 2800 रिवैल्यूड, जबकि उधर कितना है 24। फिर से इन्वेंट्री 400 से बढ़ गई, जिसका अगले साल इफेक्ट 400 यहां पर आ जाएगा। फिर 400 बढ़ गई, बट अगले साल कुछ ही नहीं। आपका बेटा यहां से आ जाएगा एफएमपी, आपका जो एफएमपी आएगा वो 3 साल का अलग अलग आएगा। एवरेज मत करना, रुक जाओ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 3 साल के अलग अलग एफएमपी आ गए, अब आपकी 3 साल की अलग अलग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 3 साल का डेटा दिया हुआ है। हाँ, 3 साल का अलग अलग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, वो जो आपका आएगा वो क्लोजिंग आएगा। आपको ऑलरेडी ओपनिंग दिया हुआ है, तो पहले साल में ये ओपनिंग हो जाएगा 73, और अगले साल में ये वाला ओपनिंग हो जाएगा, और उसके अगले साल में ये वाला ओपनिंग हो जाएगा। तो क्या करोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, हर साल का एवरेज कैपिटल आ जाएगा, और हर साल के एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड पर 12.5% लगाओगे, तो आपका हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, और हर साल का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, पर अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आई बात? कर लोगे? सॉल्यूशन मैंने उसमें रखा है, दे रखा है, आपके पास मॉड्यूल में भी है वो। नहीं बने तो मैं कल डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, पर जो मुझे टफ पॉइंट लग रहे थे वो मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर लिए, बाकी आप कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है बेटा, कर लोगे कि नहीं? चलिए, तो फाइनली वी हैव डन विद द वैल्यूएशन कंप्लीटली। वैल्यूएशन चैप्टर अपना टारगेट अनुसार कंप्लीट हो गया फाइनली। सो वैल्यूएशन डन, अगली क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।